देखिए आवाम के लिए क्या फैसला किया गया है, एक आम शख्स, एक आम पाकिस्तानी जो अब्दुल कदीर खान से मोहब्बत करता है उनके जनाजे में शरीक हो पाएगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। चार लेयर के बाद जो है पांचवी लेयर में जो है आम पब्लिक को इजाजत होगी कि वहां पर वो नमाज जनाजा जो है उसमें शिरकत कर सकें। इस हवाले से वॉकथ्रू गेट जो है फैसल मस्जिद के मुकाम पर लगा दिए गए हैं, जबकि जैसे ही फैमिली का कोई फैसला सामने आएगा, अगर एचेड में तस्वीर होगी तो उस वहां पर भी जो है जो आम पब्लिक है उसको इजाजत होगी जाने की। लेकिन तमाम चेकिंग के बाद, इसलिए कि कहा गया है कि खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के तमाम जिला इंतजामिया फोर्सेज के अदारे और इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस को इंतहाई अलर्ट रखा गया है और कहा गया है किसी किस्म का जो है उससे बचने के लिए ये इंतजाम किए जा रहे हैं और आम पब्लिक को नमाज जनाजा में जो है इजाजत दी जाएगी, वो शिरकत कर सकते हैं। लेकिन जो फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है उस हवाले से तीन से चार लेयर जो होंगी वो हुकाम की होंगी, उसके बाद जो आम पब्लिक है और वो उस पांचवी या छठी लेयर में खड़े होकर जो है वो नमाज जनाजा जो है उसमें शिरकत कर सकेंगे। इस हवाले से भी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला तभी होगा जब उनकी फैमिली जो है वो आगाह करेगी सरकारी हुकाम को कि वो उनकी तदफीन कहाँ चाहते हैं, इसलिए कि जहाँ पर तदफीन होगी वहाँ पर भी खसूसी इंतजाम करने पड़ेंगे। इस हवाले से जिला इंतजामिया को भी अलर्ट रखा गया है कि जैसे ही फैसला सामने आएगा तो वहाँ पर खसूसी इंतजाम किए जाएंगे, जबकि जनाजगाह के लिए फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करनी है, उस हवाले से भी जो सरकारी हुकाम है, पुलिस हुकाम है, वो हाई अलर्ट है और वो इंतजाम कर रहे हैं। बम डिस्पोजेबल स्पॉट इस वक्त तमाम जगह को जो है क्लियर